हम अपनी इस क्लास में चैट बॉट के सेक्शन ए में जावास्क्रिप्ट शुरू कर चुके हैं। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सेलेबस है जो हम कवर करेंगे, और वंस ये कवर हो जाएगा तो फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। और लास्ट क्लास में हमने जो वेरिएबल्स हैं वो वाला टॉपिक कवर कर लिया था, यानी कि इसमें से हमने नंबर और स्ट्रिंग ये दो पार्ट हमने कवर कर लिया था, बाकी ये तीन पार्ट रहते हैं हमारे वेरिएबल के। अच्छा, क्योंकि हमने नंबर पढ़ लिया है तो हम फौरी तौर पे क्या करते हैं, मैथ ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथ ऑपरेटर्स का बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो क्या होता है, नंबर्स के साथ होता है। तो हम नंबर के साथ फौरन ना ये मैथ ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। आ जाते हैं जी, हम मैं एक नया वेरिएबल यहाँ पे नया फोल्डर बना लेता हूँ, दैट वुड कॉल्ड 3 डॉट मैथ ऑपरेटर्स, ठीक है। और इस मैथ ऑपरेटर के अंदर आके मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक अगेन फाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर एक बेसिक एच टी एम एल यहाँ पर मैंने लिख दी है, और एच वन में हेडिंग लगा दी मैंने कि जी ई एस सिक्स मैथ ऑपरेटर्स, सही है। अच्छा, ये सारा का सारा हम ई एस सिक्स पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा मैं इस तमाम के साथ मैं लगा देता हूँ ई एस सिक्स वेरिएबल्स, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी कि यार ई एस सिक्स मैथ ऑपरेटर्स, ठीक है। हालांकि इसमें मैथ ऑपरेटर में कोई चीज़ ई एस सिक्स में चेंज हुई नहीं है, जो ई एस फाइव में थी मैथ ऑपरेटर अभी भी एग्जैक्टली वही है, लेकिन ये मैंने लिखने का जो खास मकसद है मेरा, ये मकसद मेरा ये है कि कल को आपसे अगर कोई पूछे कि यार आपको ई एस सिक्स आती है, तो आप ये इस कशमकश में ना हो कि पता नहीं मुझे आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो मैं इस वजह से एक्सप्लिसिटली यहाँ पर सब जगह पर मैंशन कर रहा हूँ कि ये ई एस सिक्स वाला मैथ ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ चेंज नहीं हुआ मैथ ऑपरेटर में, सब वही है पहले वाला। अच्छा, और बॉडी के आखिर में आके मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का टैग हमेशा हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है, बॉडी के लास्ट में हम स्क्रिप्ट का टैग हमेशा लगा रहे होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे आके मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूँ माई नम इक्वल्स 5, ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया। अच्छा, ये एक नंबर वेरिएबल बन गया, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि हम बना चुके हैं नंबर वेरिएबल। अच्छा, तो मैं यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कॉन्सोल डॉट लॉग के ऊपर अगर मुझे प्रिंट करवाना हो तो मैं माई नम लिखता हूँ, तो ये वाला नंबर जो है क्या हो जाता है, प्रिंट हो चुका है। ये हमने लास्ट क्लास तक ये बात हमने इतनी देख ली थी। अच्छा, तो क्या इसको प्रिंट करवाते हुए मैं क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, इसका जवाब है हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये एक्चुअली माई नंबर जब यहाँ पे देखेगा ना जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या करेगा, इस माई नम की एक्चुअल वैल्यू को तलाश करने ये जाएगा, ठीक है। जब एक्चुअल वैल्यू को तलाश करने जाएगा तो ये इस माई नम के अगेंस्ट जो भी इस वक्त वैल्यू मौजूद है, अभी 5 है, अगर वो चेंज भी होती है तो जो भी इस वक्त वैल्यू मौजूद है, तो ये माई नम खुद हट जाएगा और उसकी जगह वो वैल्यू आ जाएगी, सही है। जब ये चलेगा प्रोग्राम तो कुछ इस तरह से इसका बिहेवियर होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो मैथ एक्सप्रेशन है ना, ये इवेल्यूएट होएगा एक सिंगल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड अभी यूज़ किया है, मैथ एक्सप्रेशन। कौन मुझे ये बताएगा कि मैथ एक्सप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? ये यूज़ किए गए हों तो वो मैथ एक्सप्रेशन होता है। मिसाल के तौर पे कोई एक्सप्रेशन मुझे बताओ, मैथ एक्सप्रेशन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये फिर इक्वेशन बन जाएगा, चलो 30 कर दिया बस। ये क्या है, मैथ एक्सप्रेशन है। अच्छा, बात तो सही बताई है आपने, ठीक है। अच्छा, x को तो हटा दो पहले, ये ABCD वाली मैथ नहीं चाहिए यहाँ पे हमें। मैथ में जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मैथ हम पढ़ेंगे ना, और जो मैथ मुझे आती है वो ये बगैर ABCD वाली मैथ आती है भाई मुझे,
सीधी सी बात है, मैथ वैथ का मेरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आपने वैसे ये कहते हुए सुना होगा कि प्रोग्रामिंग के लिए मैथ बड़ी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो एक दो तरह के प्रोग्रामर्स होते हैं ना, एक होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और एक होते हैं सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ, उसको कह लें आप इंजीनियर्स कह लें, ठीक है ना। एक वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे होते हैं, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं उनको तो चाहिए होगी ऑब्वियसली मैथ, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इतनी ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो अकाउंटिंग वाली मैथ जो जो लगती है वो उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सीन है। तो भाई मुझे मैथ वैथ नहीं आती है। मशीन लर्निंग में भी नहीं चाहिए होती है मेरे ख्याल में तो। नहीं, असल में वो बने हुए सारे एल्गोरिथम हैं, वो जस्ट आप उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। असल में तो वो सारे बने हुए एल्गोरिथम हैं, वो जस्ट आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैथ उसमें भी नहीं चाहिए होती। असल में लोग आजकल जो मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं ना, वो मैथ के अंदर ही चले जाते हैं पूरा, तो बच्चा वो मैथ से बाहर ही नहीं निकल पाता। वेल, अब तो खैर मशीन लर्निंग वैसे भी डेड हो गई है, अब तो ये नया वाला आ गया ना, जनरेटिव वाला माल आ गया अब तो इसने तो वैसे ही मशीन लर्निंग का वो कर दिया है। तो पाइथन और मशीन लर्निंग ये दोनों आउट ऑफ डेट हो चुकी है इस वक्त, सही है, ये जनरेटिव एआई के आने की वजह से। तो अच्छा, तो क्या बात कर रहा था मैं, मैथ एक्सप्रेशन, सही है भाई। तो मैथ जो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ वेब डेवलपर जब आप मार्केट में जाएंगे या एज अ चैट बॉट डेवलपर आप मार्केट में जाएंगे, तो आपको मैथ बहुत ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिर्फ नंबर वाली मैथ होती है ना, ए बी सी डी के बगैर वाली, ये आपको आनी चाहिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों का ख्याल है कि उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है? सोच तो आता है। अच्छा, पता लग जाएगा अभी कितने लोगों को आता है। थोड़े दिनों में ना, जब जावास्क्रिप्ट में हम लगाएंगे, असल में बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छी तरह आता है, लेकिन असल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर बंदे को अच्छी तरह नहीं आता है, ये एक बात है, ठीक है। तो अगर ये चार चीज़ आती हो ना आपको अच्छी तरह, तो ये गुड इनफ है। और फिर क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक मैथ्स होती हैं। डोमेन स्पेसिफिक, जैसे कोई अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बना रहा है उसमें क्या लगता है, कोई किसी आप ट्रैवल एजेंट के लिए बना रहे हैं तो उसमें एक फार्मूला होता है उनका, जाहिर है, जिसके ज़रिए वो प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे टूर प्लानर्स होते हैं तो उनकी वेबसाइट पर वो कैलकुलेटर्स लगे होते हैं, तो इस तरह की जो मैथ्स होती है, या मिसाल के तौर पर किसी कपड़े की दुकान की वेबसाइट बना रहे हैं आप, तो वो जो सेल्स में से वो सेल टैक्स माइनस करना, वो जीएसटी माइनस करना, तो एक्चुअली ये चारों के अंदर अंदर ही हो रहा होता है ये सारा काम। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर रहते हुए ये सारा काम हो रहा होता है। इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि जो है ना हमें कोई अलजबरा वगैरह यूज़ करना पड़े, बहुत कम ऐसा होता है। एक दफ़ा मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी, तो उसको वो लीनियर लीनियर अलजबरा नहीं, लीनियर एक मैथ नहीं है, तो तुम कैटेगरी बता रहे हो ना, एक मैथ का नाम होता है वो लीनियर, वो उसको बाहर वो करते ही हैं कि उसको एक नंबर सीरीज नंबर देते हैं और एक सामने से एक वैल्यू रिटर्न करता है वो। तो वो किसी लाइब्रेरी में बनी हुई थी, मैंने यूज़ कर ली, मुझे आना ज़रूरी थोड़ी है, लाइब्रेरीज बनी पड़ी हैं सारी मैथ की, तो वो कोई लाइब्रेरी में वो बना हुआ था। अभी मुझे वो कुछ वो लाइब्रेरी में बता दूंगा मैं कैसे बनूंगी, वो लाइब्रेरी में बता दूंगा आपको, ठीक है। एनपीएम के अंदर वो सारी पड़ी होती है, तो अभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह तो पता लग जाएगा। तो वो ये जो बड़ी जो स्पेशल वाली मैथ्स है ना, ये सारी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं इसकी, तो अब वो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और उससे आप जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना, स्क्वायर रूट का एक फंक्शन होता है, अब स्क्वायर रूट के फंक्शन को आप एक नंबर पास करते हैं, वो सामने से एक जवाब दे देता है, दैट्स इट। तो हमें इवन स्क्वायर रूट भी अगर निकालना होगा तो हम उसका वो खुद नहीं लिखेंगे फार्मूला, हम वो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लेंगे जो पहले से किसी ने बना के रखी हुई है, ठीक है। तो वेल, ये जो लिखा हुआ है, ये मैथ एक्सप्रेशन तो लिखा हुआ है, ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी किसी बंदे ने वो बात नहीं की जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। मैथ एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ मैथ एक्सप्रेशन? मजीद ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ मैं आपकी, मजीद अगर किसी का कोई ओपिनियन है तो बताए प्लीज़, क्योंकि अभी जो जितने लोगों ने बात की, बात तो उन्होंने सही की है, 100% सही की है, लेकिन जो बात मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं की किसी ने अभी तक। तो कोई और अगर आप में से कोई ओपिनियन देना चाहे जी, कंडीशन लगाते हैं, प्रोजेक्ट बिल्डिंग नहीं, मैं व्हाट इज़ मैथ एक्सप्रेशन, ये अभी प्रोग्रामिंग को भूल जाओ, अभी प्रोग्रामिंग से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, मैथ एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज अ थिंग। नंबर्स के अंदर वो मैथ, नंबर्स के अंदर क्या हो, नंबर के अंदर जो एक्सप्रेशन हो वो मैथ एक्सप्रेशन कहेंगे। नंबर के अंदर जो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, मतलब ये मैथ, ये सिंबल्स के अंदर जो नंबर्स हो उसको मैथ एक्सप्रेशन।
नहीं उन्होंने बात करीब करीब पहुंच गए आप, करीब करीब पहुंच गए नंबर में जो एक्सप्रेशन हो उसको मैथ एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन मतलब जो आपसे जो वाजे कर लिखने का अंदाज, लिखने का अंदाज पूरा बताओ, पूरा उनकी बात पूरी करो। लिखने का अंदाज क्या? मैं क्या बोला, आप आधी बात करें ना खुद। हाँ आधी बात दोबारा बताए ना इनको। जो नंबर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है जो हम नंबर्स 2 3 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, नंबरों की बात, नंबर्स को लिखने का जो अंदाज है सर, कंबिनेशन हम देखते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, जो मैं सुनना चाह रहा था मैं बता रहा हूँ। नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे एक फोन नंबर लिखा हुआ है उसमें एडिशन सबट्रैक्शन सब मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, नंबर्स और ऑपरेशन है ना। अगर ये मैंने एक फोन नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो क्या ये मैथ एक्सप्रेशन है? नो सर, इसमें मैथमेटिकल सर, अगर हम एडिशन सबट्रैक्शन करें लेकिन एक दूसरे से साथ कनेक्ट हो तो उसको लॉजिकल ऑपरेशन। अच्छा सही बात की है, बात तुमने सही की है बिल्कुल, लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि जो देखो यार, सबसे पहले तो समझो अंग्रेजी में एक्सप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं। एक्सप्रेशन वर्ड निकला एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस का मतलब होता है अपनी बात का इजहार करना, ठीक है। जैसे वो कहता है ना कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर लव, ऐसे होता है ना बोलते हैं जुमला, तो एक्सप्रेस का मतलब होता है अपनी बात का इजहार करना। यानी जैसे मैं अगर आपसे कोई बात कहता हूँ कि आई एम फीलिंग हैप्पी या आई एम एंग्री, है ना, तो ये मैं अपनी बात का इजहार कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग, या कोई भी बात एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं, जस्ट नॉट जस्ट फीलिंग, कोई भी बात एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे किसी चीज़ पे, मिसाल के तौर पे कोई करंट अफेयर की कोई इवेंट हुआ उस पर मैं अपना एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि यार ये मेरा ये ओपिनियन है, तो अपना ओपिनियन मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस करें, कोई और भी चीज़ एक्सप्रेस की जा सकती है। तो कोई भी चीज़ जब एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है तो दैट एक्सप्रेशन इज़ अ प्रोसेस, कि वो बताने का प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, है ना। कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यार आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव टू समवन, तो वो जो प्रोसेस है ना बताने का, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। अच्छा अब एक होता है अंग्रेजी के अंदर, उसको हम कहते हैं स्पोकन एक्सप्रेशंस। सब लोगों ने सुना भाई ये वाला नाम, स्पोकन एक्सप्रेशंस। मिसाल के तौर पर कुछ जुमले ऐसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं जो एक्चुअल में उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जैसे एक्सक्यूज मी है, आई एम सॉरी है, ये स्पोकन एक्सप्रेशन हैं एक्चुअली, ठीक है। इनका इसका कोई मतलब नहीं होता। आई एम सॉरी का क्या मतलब है? मुझे अफसोस है, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप गुजर रहे हैं, किसी को ठोकर लग गई, तो आप जब कहते हैं ना कि आई एम सॉरी, तो इसका मतलब असल में आपके दिल में ये नहीं होता कि मुझे अफसोस है, आप दिल में ये नहीं सोच रहे होते कि मुझे अफसोस है, आप उसको एक एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं कि यार मतलब माजरत चाहता हूँ मैं, असल में आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उसका मतलब तो होता है अफसोस, तो अफसोस नहीं आप असल में कर रहे होते हैं, आप उससे माजरत कर रहे होते हैं, तो ये एक्सप्रेशन होता है। आप जो चाह रहे हैं आपने बोल दिया। या एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी का अंग्रेज़ी में क्या मतलब होता है? नहीं लफ्ज़ी मतलब जो है, एक्सक्यूज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है माफ़ कीजिएगा। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है जैसे मिसाल के तौर पर बंदा लेट आता है तो वो कोई एक्सक्यूज़ करता है मुझसे, है ना, वो कोई एक्सक्यूज़ करता है कि यार मेरा टायर पंक्चर हो गया था, मैं लेट हो गया, मैं फला जगह फंस गया था, तो इस वजह से मैं लेट आया हूँ, तो एक एक्सक्यूज़ पेश कर रहा होता है, एक माफ़ी मांग रहा होता है, ठीक है। बट अगर हम कोई सामने बंदा किसी दूसरी तरफ देख रहा है और मैं उसको एक्सक्यूज़ मी कहता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं असल में उसको मुखातिब करना चाह रहा होता हूँ, उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाह रहा होता हूँ। तो दिस इज़ स्पोकन एक्सप्रेशन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, तो ये इस तरह के बहुत सारे स्पोकन एक्सप्रेशन होते हैं। तो असल में क्या होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए वो जुमला कह रहे होते हैं, हालांकि उसका मतलब पता नहीं कुछ और ही होता है। अच्छा इसी तरीके से मैथ में भी क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना कि यार एक्सक्यूज मी, तो मैंने इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन बोला, अगर यही बात मैं मैथ की जुबान में बोलूंगा तो दैट वुड कॉल्ड मैथ एक्सप्रेशन। यानी मैं मैथ की जुबान में कोई बात आपको समझाऊंगा तो वो दैट वुड कॉल्ड मैथ एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा मैथ की जुबान में क्या समझा सकता हूँ मैं आपको? अच्छा मैथ की ज़ुबान में मैं ये समझा सकता हूँ कि यार 800 और डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 17,
ठीक है, तो ये 17% जीएसटी मैंने कैलकुलेट करके इसमें निकाल लिया, ठीक है, जो भी इसका बनता है, मतलब मैंने एक अपने अंदाज में लिखा है, वैसे जीएसटी निकालने के और भी दूसरे तरीके हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको अगर मल्टीप्लाई कर देता ना 0.17 से तो भी निकल आता है ये, ठीक है, इस तरह भी हो जाता है यही काम ना, सेम काम है ना। तो अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ, कोई अपनी बात एक्सप्रेस करता हूँ एक और, कि जी मैंने मिसाल के तौर पे 200 रुपये दिए वेटर को और उसने 180 उसमें से चार्ज कर लिए, ये मैथ की ज़ुबान में मैंने कोई बात लिखी है, ठीक है, तो मैथ की ज़ुबान में लिखा हुआ कोई भी जुमला दैट वुड कॉल्ड मैथ एक्सप्रेशन। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई है, क्या ये मैथ एक्सप्रेशन है? इसका जवाब है हाँ, सही है। अच्छा, इस मैथ एक्सप्रेशन के अंदर सारे के सारे नंबर्स नहीं हैं, बल्कि एक वेरिएबल भी है ना, वो जो हम कह रहे थे ना कि एबीसी वाली मैथ है, कि ए प्लस बी ए बी, पता नहीं कि वो ये असल में प्रोग्रामिंग से ही इन्होंने शायद अखज़ किया है, या पता नहीं वहाँ से प्रोग्रामिंग में, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है ना, इसकी एक वैल्यू है, बहुत सिंपल है प्रोग्रामिंग के अंदर, मैथ बिल्कुल सिंपल रखी गई है, कि ये जो वेरिएबल है ना, जहाँ पे भी कोई भी वेरिएबल है उसकी कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू होगी, क्योंकि मैथ में तो जो मैथ एक्सप्रेशन लिखते हैं आमतौर पर ए बी सी डी वाला, तो उसमें तो ये होता है ना कि जी यार 2x के अंदर जो है ना, और प्लस 3y ऐसे करके अगर लिखा हुआ है और इक्वल्स टू जीरो है, कि जी एक्स वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करें आप, तो वो तो लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता कि अननोन कोई चीज़ नहीं होती, प्रोग्रामिंग में अननोन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, प्रोग्रामिंग में भाई ये माई नाम है, इसकी वैल्यू ऊपर होगी लिखी हुई, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसकी वैल्यू नहीं मिली वो उसको चलना ही नहीं देगा, बोलेगा भाई ये तो अननोन है, बोलेगा तो दिस वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइन, हमने लास्ट टाइम ये एरर देखा था ना, कि कोई वेरिएबल अगर मौजूद नहीं होता बोलता नॉट डिफाइन। तो इस एक्सप्रेशन को, अच्छा एक्सप्रेशन की एक अच्छी बात ये है कि एक्सप्रेशन वुड ऑलवेज इवेल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं अंग्रेज़ी में भी किसी को कहता हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, तो उसका एक मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, कोई दूसरा मतलब नहीं होता उसका, जो जिस वक्त मैं कह रहा होता हूँ सिचुएशन के मुताबिक उस एक मतलब होता है। तो हमेशा जो है, जो भी मैथ एक्सप्रेशन होगा, चाहे उसके अंदर जितने भी मल्टीप्लाई डिवाइड लगे हुए हों, वो हमेशा क्या होगा, इवेल्यूएट होगा एक सिंगल वैल्यू पर। तो जब भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्राम, क्योंकि हम ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सेम होता है, ये याद रखें आप, ये पूरी थ्रू आउट द कोर्स जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाला जो पार्ट अभी हम कवर कर रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है, सही है, कॉन्सेप्ट एटलीस्ट तो सेम होंगे ही होंगे। तो जो मैथ एक्सप्रेशन जहाँ पे भी आ जाएगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रुक जाती है, और रुक के ना उस मैथ एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करती है हमेशा सिंगल वैल्यू पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी चीज़ ये खुद हट जाएगी और यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आएगी, आई एम नॉट श्योर कि वो 45 होगी या क्या होगी, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा शॉर्ट रखते हैं मैथ एक्सप्रेशन को, मैथ एक्सप्रेशन लंबा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बट एक बात तय है कि जब भी ये मैथ एक्सप्रेशन को देखेगा वहाँ पे ये रुक जाएगा, और रुक के पहले उसको सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट करेगा। अच्छा, उसमें क्या हो सकते हैं, कोई वेरिएबल हो सकता है उस एक्सप्रेशन में, या कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली, वहीं पे एरर, ख़त्म गेम, उसके आगे चलने नहीं देगा। तो अभी हमारे केस में माई नम में क्या है, ये खुद हट जाएगा माई नम, इसकी जगह 5 आ जाएगा। अच्छा, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, कि कोई चीज़ अगर खुद हट जाए, यानी कोई वेरिएबल हो खुद हट जाए और उसकी जगह उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाए, तो इसको हम कहते हैं वैल्यू रिटर्न करना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू रिटर्न करना। अच्छा, ये रिटर्न करने वाला वर्ड आपने भूलना नहीं है, क्योंकि ये थ्रू आउट द कोर्स मैं आपसे पूछता रहूँगा कि ये माई नम जो है ना, ये क्या रिटर्न कर रहा है इस वक्त, इस वक्त ये रिटर्न कर रहा है 5, और 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जब ये रन होगा ना, तो कुछ इस तरह से ये इवेल्यूएट होगा सिंगल। अच्छा, इस जो ये मैंने प्रोसेस आपको करके दिखाया, दिस इज़ कॉल्ड ड्राई रन, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई रन। अच्छा, ड्राई रन क्या होता है, कि जी आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि ये जब प्रोग्राम चलेगा तो ये किस तरह से चलेगा, किस स्टेजेस से गुजर के आएगा, ठीक है। तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं आप, तो ये ड्राई रन बड़ा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम ड्राई रन करें थ्रू आउट द कोर्स, हम जो प्रोग्राम जो भी लिखे हैं वो हम पहले ही ड्राई रन कर चुके हों, ठीक है, और जब उसको हम चलाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, तो हम उसको एक्चुअली में क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए चलाएंगे कि क्या हमने जो ड्राई रन किया है क्या वो सही किया या गलत किया है, उसको वेरीफाई करने के लिए चलाएंगे जस्ट, ठीक है। वैसे प्रोग्राम लिखते हुए ना आपके ब्रेन में वो चल रहा होना चाहिए कि अच्छा जी ये लाइन इस तरह होगी, ऐसे यहाँ से जाएगा, ऐसे होगा, आपको एग्जैक्टली हर चीज़ पता होनी चाहिए,
ठीक है, तो मैं वापस इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, तो यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई ड्राई रन, यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो करके देखते हैं कि 8 प्रिंट होता है या नहीं होता। इसको चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कंट्रोल एस दबा के मैं सेव कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद करूंगा कॉपी पाथ, और यहाँ पे जाके मैं इसको चला दूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद कॉन्सोल, और कॉन्सोल में जाने के बाद इसको मैं ज़रा सा कॉन्सोल को जूम इन कर दूंगा। तो यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया लाइन नंबर 17 में, 8 प्रिंट हो गया, ठीक है जी, ये लाइन नंबर 17 से 8 प्रिंट हो गया यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, इसी तरीके से माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब 5 - 3 अब क्या हो जाना चाहिए, अब 2 आ जाना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो अब यहाँ पे 2 आ रहा है लाइन नंबर 17 से। क्लियर करता हूँ मैं, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अगेन 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से प्लस और माइनस का कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 - 3 2 और 2 + 34, तो ये 36 बन जाना चाहिए। देखते हैं ये 36 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो हम जस्ट वेरीफाई करने के लिए इसको चलाएंगे, एग्जैक्टली रिजल्ट हमें पहले ही पता होना चाहिए ड्राई रन के थ्रू। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर लेते हैं जी, ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लगा दिया। अच्छा, अब ना सिर्फ इसको प्रिंट करते वक्त मैं ये काम कर सकता हूँ, बल्कि इसको वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त भी यहाँ पे कोई मैथ एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मैंने कहा लेट माई नम इक्वल टू 5 + 23 या 5 - 23, तो 5 - 23 जो भी बनता है वो इसमें चला जाएगा माई नम में। क्या जाएगा, आर यू श्योर, -18? सब लोग इस पर कन्फर्म है? अच्छा, ये कोड में पुश कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, वैसे अगर किसी ने टिकटॉक बनानी तो वो बना सकता है। टिकटॉक बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि रिकॉर्ड करके आप साइड पर रख लो, बाद में एडिट करो उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये -18 माई नम में यहाँ पे चला गया। अच्छा, और माई नम के अंदर यहाँ पे -18 इस तरह आ जाएगा, -18, तो -18 - 3। अच्छा, पहले तो ये देखें ना, -18 - 3 कितना हुआ, -21 हो गया, और +34, तो -21 और +34, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं आती इतनी मैथ, तो मैं कैसे करूँगा, क्या हुआ था यहाँ पे, -21 हुआ था ना, -21 + 34 - 21 13, सही है। हाँ, तो 13 रिजल्ट आ जाना चाहिए इसमें। देखते हैं, ये प्लस माइनस हो रहा है, सब लोगों को समझ आ रहा है ना ये? Yes, सही है, 13 रिजल्ट आ गया, सही हो गया बिल्कुल। अच्छा, तो हमने ये देखा कि वेरिएबल को इनिशियलाइज जब हम कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हम क्या कर सकते हैं, हम सिंगल नंबर देने के बजाय मैथ एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, और इसी तरह जब कहीं पर प्रिंट करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी सिंगल नंबर देने के बजाय हम मैथ एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। मैथ एक्सप्रेशन से डर निकल गया, अब मैथ एक्सप्रेशन सही है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, सिंगल वैल्यू को मैथ एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, प्लस या माइनस, सिंगल वैल्यू। हाँ, अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, मैं वापस इस पे आ जाता हूँ सिंपलेस्ट वे पे। मेरे पास ये एक नंबर है, और मतलब ये वेरिएबल नंबर है, ये नंबर क्या है, वेरिएबल नंबर है, ये हमेशा 5 नहीं मिलेगा मुझे। अगर इससे एक लाइन पहले, मतलब ये तो मेरे कोड मिसाल के तौर पर 4000 लाइन का कोड है मेरा, सही है, 4000वें लाइन पर ये प्रिंट लिखा हुआ, तो 4000वें लाइन पे ये ज़रूरी नहीं हमेशा एक जैसी वैल्यू मिले, बीच में कोई कंडीशन है तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ कॉल्ड वेरिएबल फॉर दिस वेरी रीज़न, है ना, कि ये कुछ भी हो सकता है, जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इस वाले को हम कहते हैं लिटरल, इसका एक नाम है, जो अगर डायरेक्ट ये 3, ये हमेशा इसी तरह रहेगा, ये कभी चेंज, ये 3 लिखा हुआ 3 होगा, ये चाहे कोड में ऊपर कुछ भी हो नीचे कुछ भी हो, ये 3 ही होगा हमेशा। तो वेरिएबल के साथ माइनस हो रहा है लिटरल। तो मिसाल के तौर पे अभी जो मैं ये वेरिएबल बनाता हूँ, ये वेरिएबल जो बनाता हूँ मैं, तो इसको मैं इनिशियलाइज जो करता हूँ किससे करता हूँ, लिटरल से। तो इसको हम कहते हैं नंबर लिटरल, ठीक है। और ये जो माई नम है, इसको हम कहते हैं नंबर वेरिएबल। तो नंबर वेरिएबल, नंबर लिटरल, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर सिर्फ एक लिटरल है या सिर्फ एक वेरिएबल है तो ये एक्सप्रेशन तो नहीं हुआ, सही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जस्ट यू, तो यू कोई एक्सप्रेशन नहीं है, या मी कोई एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, एटलीस्ट 2 वर्ड होने चाहिए एक्सप्रेशन में, कि एक्सक्यूज़ मी, अब बनाई एक्सप्रेशन या जुमला या सेंटेंस या जो भी, सही है। तो सिंगल वर्ड इज़ नथिंग, सिंगल वर्ड कोई चीज़ नहीं है। तो इसी तरह, अच्छा वैसे ये बात कहीं पर लिखी भी नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस बात है, ये मैंने कहीं लिखी भी नहीं पढ़ी है, लेकिन ये ऑब्वियस बात है, मैं वो बता रहा हूँ आपको,
कीजिए, एटलीस्ट दो जब तक इसमें पार्टिसिपेंट नहीं होंगे जब तक ये एक्सप्रेशन तो नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन हमेशा इवेल्यूएट होता है सिंगल वैल्यू पे, तो जब वो पहले से ही सिंगल वैल्यू तो वो एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, तो ये ऑब्वियस बात है, वो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं लिखी भी नज़र आपको शायद ना आए। हाँ, अगर स्ट्रिंग होता ना इस तरह होता है स्ट्रिंग, तो इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, नीचे वाले को स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते हैं फिर, ठीक है जी। तो ये हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया, ये हमने उसको प्रिंट कराना सीख लिया, बनाते हुए भी एक्सप्रेशन हो सकता है, सही है, और प्रिंट करवाते हुए भी एक्सप्रेशन हो सकता है, सही है, ये दोनों एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे वेरिएबल पर, लेट माई नम टू, अच्छा इसको वन कर देते हैं, माई नम वन और माई नम टू कर दिया हमने, इक्वल्स टू माई नम वन प्लस 23, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वेरिएबल बनाते वक्त मैंने ये देखा था कि एक सिंगल नंबर हो सकता है, नंबर लिटरल, या एक्सप्रेशन हो सकता है। अब मैंने ये देखा कि वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल भी लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे जब एक्सप्रेशन आ सकता है तो उसका मतलब है एक्सप्रेशन में तो वेरिएबल होते हैं, तो अब यहाँ पे क्या इवैल्यूएट होकर जा रहा होगा इसमें नम टू में। अच्छा, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन देखा ना, यहाँ रुक जाएगा ये, यहाँ पे रुक के पहले उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ पहली लाइन से, तो यहाँ पे इसने देखा एक्सप्रेशन है, इसको सिंगल वैल्यू में किया, क्या बन गया ये 28 बन गया, तो नम वन में 28 चला गया, ठीक है जी। नम वन में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि 20। अच्छा, ये पार्ट जो कमेंट होता है ये, सही है ना, तो ये पार्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ये इसको ये जस्ट कमेंट के तौर पे देखता है। तो 28 नम वन में चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे आया अगेन, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखा, तो 28 प्लस 23 क्या हो गया, ये 51 हो गया, तो ये नम टू में 51 चला गया, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आके मैं नम वन और नम टू को सेपरेटली प्रिंट करवा लेता हूँ, तो मुझे 28 और 51 दिख जाना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश किया, 28 और 51 है। अच्छा, मैं इन दोनों को प्लस करके भी प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। नम माई नम है ना, माई नम टू, ठीक है, मैं दोनों को प्लस करके भी प्रिंट करवा सकता हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, 28 प्लस 51 जो भी होता है 74 आर यू श्योर? अच्छा, मेरी इतनी अच्छी मैथ नहीं है, इतने लंबे वाले नंबर मेरे से नहीं होते, 79 आता है, सही है। ठीक है जी, तो ये प्लस को हमने देख लिया और साथ में माइनस को हमने देख लिया। अच्छा, इतना पार्ट समझ आ गया कि जी वेरिएबल बनाते हुए भी एक्सप्रेशन हो सकता है और वेरिएबल को प्रिंट कराते हुए भी एक्सप्रेशन होगा। अब जब एक्सप्रेशन की बात आ गई तो एक्सप्रेशन में नंबर लिटरल भी होंगे, कोई दूसरा वेरिएबल भी होगा, और एक्सप्रेशन कितना लंबा होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो दो नंबर वाला एक्सप्रेशन है कि जो नंबर वन और प्लस नंबर टू, एक और इसमें ये 10, 12, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसको आप कर देते हैं यहाँ पे कमेंट, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट अब हम स्टडी करते हैं। मैंने कहा कि जी लेट, और मैंने अगेन वही नाम रख लेता हूँ, माई नम वन, और सिर्फ नम वन रखता हूँ इस बार, नाम कोई भी, मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम होगा, ठीक है, मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम होगा। मैंने कहा कि यार 23 और लेट नम टू इक्वल्स टू 54, मेरा नाम मेरी मर्ज़ी, हाँ। अच्छा, मैंने कहा कि यार लेट रिजल्ट इक्वल्स टू नम वन डिवाइड नम टू, सही है, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 4, सही है, प्लस 12। ये मैंने एक बना दिया जी एक्सप्रेशन, ठीक है। अब कौन मुझे ये सोच के बताएगा कि इस रिजल्ट में क्या जाना चाहिए। अच्छा, मल्टीप्लाई को डिवाइड को इस तरह लिखते हैं स्लैश, और मल्टीप्लाई को लिखते हैं स्टैरिक, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरह होता है, सेम होता है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे हुआ ये, ठीक है। रिजल्ट तो चलो कैलकुलेटर से भी बता दो, लेकिन कैलकुलेटर में भी तो पता होना चाहिए ना किसको किससे कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोर्ड में
13.26. एक दोस्त कह रहे हैं कि 13.26. एक दोस्त कह रहे हैं 7. ये तो दो रिजल्ट आ गए. पॉइंट वाला ही रिजल्ट आएगा इसमें. पॉइंट वाला आता है, बगैर पॉइंट वाला नहीं आता इसमें. 15.95. हाँ 13.47. हाँ भाई, एक दो तीन और चार, चार डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं. एक में 26, एक में 27. ये 13.26 किसका है? तुम्हारा 26, इसका 27. एक पॉइंट का कैसे फर्क आ सकता है? क्या है 13.27? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका 13.27 रिजल्ट आया है? तकरीबन 50% लोग हैं. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये 15 आया रिजल्ट? नहीं, गायब कर दूं इसको मैं? चलो, ये हमने गायब कर लिया. अच्छा, 7 किसका रिजल्ट आया था? 13.26 किसका रिजल्ट आया था? तुम्हारा है. और एक 26, एक 27, ऐसा कैसे यार? ऐसा क्या? नहीं, सेम नहीं है भाई. 26, 27 अलग अलग. अच्छा, चलो इसको हम भी करके देखते हैं, यहाँ पे भी करके देखते हैं. ठीक है, मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ कि क्या होता है. अच्छा, ये जो मैथ एक्सप्रेशन है ना, जैसे भाई इंग्लिश के अंदर ग्रामर होती है कि भाई मिसाल के तौर पे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये एक जुमला लिखा हुआ है ना, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है. अच्छा, जितने भी जुमले होते हैं अंग्रेज़ी में, दरअसल वो सारे एक्सप्रेशन ही होते हैं कि जी तुम कहाँ जा रहे हो. मैं एक उससे एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं सवाल अपना बता रहा हूँ उसको. ठीक है, वो सामने से बोलेगा यार मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तो उसने भी एक बात एक्सप्रेस की. तो असल में वो सारे सेंटेंसेस कहीं ना कहीं जाके वो एक एक्सप्रेशन का दर्जा रखते हैं. तो ये मेरा मैथ एक्सप्रेशन है. तो उसमें क्या होता है कि जी उर्दू में ज़रा उसका रूल अलग होता है ना, उर्दू जो क्या कहते हैं लैंग्वेज में, कि जी तुम कहाँ जा रहे हो. ठीक है, और इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो वेयर आर यू गोइंग, तो कहाँ पहले आ गया, तुम बाद में आ गया, कहाँ तुम जा रहे हो, इस तरह की कोई बात है ना. तो ज़रा अच्छा मैथ में, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैथ में कोई ज़ुबान नहीं है. मैथ इज़ दी ओनली वन लैंग्वेज. ठीक है ना, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो भी अलग अलग ज़ुबान है, अलग अलग ग्रामर है इसकी. मैथ पूरी दुनिया में सेम है. मैथ की ये सबसे अच्छी बात है. तो पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह पे चले जाएं, मैथ के रूल भी सेम है और मैथ की ज़ुबान भी सेम है. तो मैथ की ज़ुबान में अगर किसी ने कोई बात लिखी है ना, तो पूरी दुनिया में हर बंदा समझता है उसको. अच्छा, तो मैथ की ज़ुबान में जो रूल है ना, वो ये है कि सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा. ठीक है, इसको बॉर्ड मास करके याद रखा जा सकता है. ठीक है, इसको बॉर्ड मास करके याद रखा जा सकता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर. अच्छा, मेरे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स कहीं पे भी नहीं लगी हुई, हालांकि मैं लगा सकता हूँ, अभी लगाई नहीं है, लगा देते हैं थोड़ी देर में. अच्छा, बी ओ का मतलब ब्रैकेट ऑर्डर, उसके बाद डी फॉर डिवाइड. ठीक है, और एम फॉर मल्टीप्लाई, और ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं कि किसका रिजल्ट क्या आया है. नम वन के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, 23. तो यहाँ पर 23 हो गया, डिवाइड बाई नम टू में 54 मौजूद है. ठीक है, ये मैं ड्राई रन कर रहा हूँ अगेन. सही है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राई रन कर रहा हूँ. ठीक है जी, ये मैंने एक स्टेप इसका सॉल्व कर लिया. अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूँ, सबसे पहले डिवाइड इसमें आ रहा है मेरे केस में. तो 23 बाई 54 0.425. ठीक है, तो मैंने कहा कि 0.425. नहीं, मैं तीन वैल्यू बहुत होती है, तीन लिख दिया तो गुड इनफ है. ठीक है जी, अच्छा मल्टीप्लाई तो कर दिया ना मैंने, आप मल्टीप्लाई आएगा, ये वाला आएगा. अच्छा, अब क्या ये डिवाइड भी मैं अभी कर दूं? कर देते हैं. 12 डिवाइड बाई 4 3 हो गया ये, और ये प्लस 12 अपनी जगह पे रहा. अच्छा, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. अच्छा, मैंने कहा कि यार 0.425 मल्टीप्लाई बाई 3.
1.275 ठीक है प्लस 12 13.275 ये रिजल्ट जो सब लोगों ने कैलकुलेट किया था ठीक है अब जावास्क्रिप्ट देखते हैं क्या रिजल्ट कैलकुलेट करता है क्या ख्याल है देख लिया जाए 13.275 मेरी मैथ के मुताबिक भी आ गया और हम फिर ये भी देख लेंगे कि अगर कोई डिफरेंट रिजल्ट आता है तो वो क्यों आता है ठीक है 13.277 आया अच्छा वो डेसिमल पॉइंट की मिस्टेक है इसकी वजह से आया ठीक है ओवरऑल रिजल्ट आपका सही है ठीक है अच्छा एक अप्रोच और भी हो सकती है असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय वन गो में होता है सही है वैसे तो हम अलग से हमने अलग से किया है क्योंकि इसमें एक ही मल्टीप्लाई था तो शायद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन सम टाइम क्या होता है अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग अलग गो में करूँ तो रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है ठीक है ये होगा आपके साथ कभी आप करेंगे ना ड्राई रन तो आप बोलेंगे यार ये तो रिजल्ट कुछ और है अंदर कुछ और आ जाएगा तो असल में क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ब्रैकेट ऑर्डर सबसे पहले होता है उसके बाद होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई वन गो में होता है और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी वन गो में होता है अच्छा सम टाइम क्या होता है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आप वन गो में ना करें तो रिजल्ट अच्छा वो सिर्फ प्रोग्रामिंग में नहीं पेपर पे भी अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैसे तो देखने में लगता है कि अगर एडिशन पहले कर दें या सब्ट्रैक्शन कर दें क्या फ़र्क पड़ेगा लेकिन कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है अगर आप एडिशन पहले कर दें या सब्ट्रैक्शन पहले कर दें तो उससे ओवरऑल रिजल्ट चेंज हो जाता है ठीक है क्योंकि उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फौरन बाद ना कोई ऐसी चीज़ होती है डिवाइड मल्टीप्लाई कि जिसकी वजह से वो रिजल्ट चेंज हो जाता है उसका ठीक है अभी ऐसा कोई एक्सप्रेशन मेरे जहन में नहीं है लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी आ जाएगा हमारे इसी प्रैक्टिस के दौरान ना कभी आ जाएगा ठीक है तो ये हमने क्या कर लिया मैथ एक्सप्रेशन अच्छा अब ये चक्कर ये है कि जो बॉर्ड मास तो चलो समझ आ गया ठीक है लेकिन स्टिल ये एक एम्बिग्युटी है स्टिल ये क्या है एक एम्बिग्युटी है कि यार अब ये वाला पहले होगा डिवाइड या ये वाला पहले होगा डिवाइड ठीक है तो मिसाल के तौर पर मुझे मल्टीप्लाई पहले कराना है तो मैं उसको ब्रैकेट में पैक कर दूंगा मैं बोलूँगा भाई पहले इस मल्टीप्लाई को आप करो ठीक है तो ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर जो बात होगी वो सबसे पहले होगी तो अब ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा हिसाब किताब तो पहले ये नम टू और ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में यानी 54 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा पहले ठीक है अभी जो रिजल्ट आता था 13.27 या जो भी आता था अब वो रिजल्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा ठीक है 12 आ जाएगा तो और फिर मैं कहता हूँ कि यार अच्छा ये आप ये भी करो और इस प्लस को भी आप पहले करो तो ये इसको पहले कर देगा इस प्लस को भी पहले कर देगा ठीक है तो मैं किसी भी चीज़ को पहले करवाना चाहूँ उसको मैं ब्रैकेट में कर दूँगा पहले होगा मिसाल के तौर पर बड़ी इसकी क्लासिक एग्जांपल है कि जी आपको जब परसेंटेज निकालना होता है ना मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार ये जो है टोटल मार्क है नंबर वन जो है टोटल मार्क है मिसाल के तौर पर 1050 ये टोटल मार्क है और बंदे ने जो ऑप्टेन किया वो 950 ऑप्टेन किया तो परसेंटेज मुझे निकालना है एक्चुअली अगर इसका ठीक है अगर इसका मुझे क्या करना है परसेंटेज निकालना है मैंने कहा कि जी टोटल और ऑप्टेन तो अब मुझे इसका परसेंटेज अगर निकालना है तो किस तरह से करता हूँ मैं ये ऑप्टेंड डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100 ठीक है अच्छा अब इसमें डिवाइड पहले होना चाहिए या मल्टीप्लाई पहले होना चाहिए डिवाइड पहले होना चाहिए अच्छा होगा भी डिवाइड पहले ही लेकिन मैं स्टिल क्या करूँगा एम्ब्यूगिटी से बचने के लिए इसमें मैं ये लगा दूँगा ठीक है कोई मेरा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा इसको लगाने में लेकिन क्या होगा कि रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है एक तो इसकी और एम्ब्यूगिटी ख़त्म हो जाती है कि पहले कौन सा होगा अच्छा ये एक्सप्रेशन तो बहुत छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा एक्सप्रेशन है लंबे एक्सप्रेशन में ज़्यादा ही मसला आता है कि जी आपके पास क्या होता है कि शुरू में एक डिवाइड होता है और एक डिवाइड बिल्कुल लास्ट में होता है तो आप शुरू वाले को देखते हैं लास्ट वाला आपको उधर ध्यान ही नहीं जाता तो आप क्या करते हैं दोनों को ब्रैकेट्स में पैक कर देते हैं कि जी ये काम पहले होगा तो ब्रैकेट्स ज़रा रीडेबल हो जाता है अच्छा अब इसको मैं दोबारा से चलाता हूँ तो अब ये 90 रिजल्ट आया इसका ठीक है 90% इसने स्कोर किया है ठीक है 1024 और 95 ठीक है ऑलमोस्ट 90% है ठीक है अच्छा इसी तरह से जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सॉरी परसेंटेज तो ये हमने निकाल लिया ना जो ग्रेड का जो फार्मूला होता है एक ग्रेड का भी फार्मूला होता है ना वो क्या होता है परसेंटेज से डिफरेंट होता है वो नहीं सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ एक परसेंटेज होता है एवरेज होता है
ठीक है, हाँ सारों को प्लस करके वो डिवाइड मारते हैं, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो अब उसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि भाई सारों को प्लस करके डिवाइड मारना। तो इस तरह कई सारे छोटे 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 इस तरह के क्या होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसमें एक ये सर्टेन एक चीज़ होती है, अच्छा जी इसको आप इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे तो निकल आ जाएगा, है ना। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। या फॉरन हाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, सेंटीग्रेड को और फॉरन हाइट का जो फार्मूला एक्सचेंज करने का, वो कुछ प्लस उसमें पता नहीं 40 प्लस करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, 273 प्लस करते हैं, नहीं फॉरन हाइट, हाँ C2F फार्मूला आ जाएगा, ये है फार्मूला 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो अब ये मैथ में लिखने में तो बिल्कुल ये डिफरेंट एक फार्मूला होता है, कि मैथ में ये लिखा हुआ है ना, जो डिफरेंट लग रहा होता है। इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, इसको पूरे को मैंने रोक दिया और मैंने यहाँ पे आके लिखा कि लेट टेम्परेचर, सही है, सी टेम्परेचर सी मैंने लिख दिया कि भाई सेंटीग्रेड में, और मैंने लिख दिया कि यार इस वक्त क्या है हमारे पास टेम्परेचर राइट नाउ, 24 है, सही है। तो मैंने कह दिया भाई 24, सही है 24 लिख दिया मैंने। अच्छा, और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि लेट टेम्प एफ इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे एक ऐसी बात लिखनी है कि जिससे ये कन्वर्ट होके चला जाए इसमें, ठीक है। मैंने कहा कि भाई टेम्प सी, भाई टेम्प एफ के अंदर क्या डालना चाह रहा हूँ मैं, टेम्प सी, अब इसका फॉर्मूला क्या था, सी मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32, सी मल्टीप्लाई बाई 9/5 और प्लस 32। अब इसमें से पहला कौन सा काम होना चाहिए, पहले डिवाइड होना चाहिए या पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया हुआ है। इन्होंने बोला भाई ये सेल्सियस टू फॉरेनहाइट करते हुए ये काम पहले होगा, ये काम पहले होगा। अबे ये कौन से इसमें फॉर्मेट में लिख दिया इसने यार, क्या बकवास है। हाँ अच्छा, ये सही लिखा है ना इसने, ये सही लिखा है इसने, ये सही लिखा है इसने, इसने बोला कि भाई ये सी मल्टीप्लाई बाई और 9/5 है ना वो ब्रैकेट में, 9/5 पहले होगा, ठीक है। और भी एक दो जगह देख लेते हैं इसको हम, हाँ इसने भी यही लिखा है कि सी मल्टीप्लाई बाई 9/5 पहले होगा, लेकिन 9/5 ये शायद इधर सही डिस्प्ले नहीं हो रहा, अंदर चलते हैं इसके, अबे यार ये क्या लिख दिया भाई। अब सी को मैं पहले 9 से करूं या 5 से करूं, कैसे करूं, या 9/5 को पहले कर दूं, ऐसे ही चलो तुक्का मार के देखते हैं। 9/5 पहले होगा ना, अच्छा तो 9/5 हो गया पहले, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला काम होगा, तो ये वाला काम उसके बाद हो गया, सही है। और बाकी आखिर में बचेगा 32 भैया, 32 नहीं बॉड मास नहीं, हम तो अभी वो एम्बिग्यूटी को ख़त्म कर रहे हैं ना, बॉड मास को हम ख़त्म ही कर रहे हैं, हमने कहा हम जहाँ हमें जो पहले करना होगा उसको ब्रैकेट में लगा देंगे हम, तो इससे हमारा वो मसला ही हल हो जाएगा। और मैंने कहा कि यार टेम्प एफ, सही है, तो ये 24 था और ये फॉरन हाइट में कन्वर्ट होने के बाद जो भी बनेगा वो मुझे यहाँ दिख जाएगा, 75.2 बनेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेम्प इन एफ, तो वो भी मेरे पास आ जाएगा, ये आ गया 76। इन्होंने असल में राउंड ऑफ किया हुआ है तो 76 दिख रहा है, लेकिन असल में ये 72 हो? सेल्सियस में पहले देखते हैं ना, इसका डिफरेंट तो नहीं आ रहा कहीं, नहीं आ तो 24 ही रहा है। अच्छा मैं ऑनलाइन कोई कन्वर्टर देख लेता हूँ वेरीफाई करने के लिए, फॉरन हाइट कन्वर्टर, ठीक है, पहले से अगर ऑनलाइन कोई बने पड़े हैं। अच्छा मैंने कहा कि भाई सेंटीग्रेड में ना मेरे पास है 24, तो ये 75.2 है, सही है। अच्छा नीचे ये फार्मूला भी बता रहा है यार, गूगल तो अच्छा है, हमने पहले क्यों नहीं चेक किया इसको। इसने कहा कि भाई जो भी फॉरन हाइट इस वक्त है
उसको माइनस मारोगे इस तरह तो हो जाएगा। अच्छा इसको मैं अपोजिट करूँ, अगर तो अपोजिट नहीं हो सकता ये, मुझे इसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अब ये सही बताया इसने, बोला भाई जो भी सेंटीग्रेड है मल्टीप्लाई बाई 9/5, ठीक है तो 9/5 पहले होगा क्योंकि ये अगर इस ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिखा हुआ ना तो डिवाइड पहले होगा, तो 9/5 ऑटोमेटिकली पहले होगा प्लस 32। तो इसने ये बता दिया कि भाई इस तरह से, हाँ दोनों सेम 72.75.2, ठीक है तो मेरे पास भी 75.2 आ गया। तो इस तरह ये छोटे छोटे हम क्या करने लगे हैं, हम इस तरह छोटी छोटी ऐप हम बनाना शुरू करेंगे अब, कन्वर्टर और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा तो अब आपने नोट किया कि हमारे पास हम जो भी ये इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं यूज़र का इनपुट शामिल होता है ना। मिसाल के तौर पे हमारे इस वाले प्रैक्टिस के अंदर क्या था, ये टोटल भी यूज़र का इनपुट था, ऑप्टेंड भी यूज़र का इनपुट था। हम ये एज्यूम हमने खुद से लिख दिया था हाथ से, लेकिन हम ये एजम्पशन करके चल रहे थे कि ये यूज़र देगा, ये पहले से हमारे पास मौजूद नहीं होगा। इसी तरीके से ये टेम्परेचर जो इनपुट लेंगे हम वो यूज़र से लेंगे और उसको हम कन्वर्ट करके फॉरेनहाइट में ये दिखा रहे होंगे, ठीक है उसको कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे होंगे फॉरेनहाइट में दिखा रहे होंगे। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी ना हमारी, कल की क्लास जो है उसमें हम इनपुट लेना भी सीख लेंगे कि यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम कल की क्लास में सीखेंगे, आज की क्लास में ज़रा हम एक तो हमने ये सीख लिया, हमने क्या सीख लिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार ऑपरेटर हमने कवर कर लिए। अच्छा ऑपरेटर्स में जब मैं वापस जाता हूँ तो हमारे पास कुछ एक दो ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं, जैसे कि ये परसेंटेज का एक ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा ये जो है इसको मॉड्यूलस कहते हैं, ये परसेंटेज नहीं है, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। अच्छा मॉड्यूलस का काम क्या होता है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा कि जी लेट नम वन इक्वल टू 35, ठीक है, और मैंने कहा कि कॉन्सोल डॉट लॉग 35 modulus 2। अब ये 35 modulus अगर तो देखो ये होता मल्टीप्लाई, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70 हो जाता, सही है। अगर तो ये होता डिवाइड, तो 35 डिवाइड बाई 2 17 पॉइंट समथिंग आ जाता। अब ये modulus क्या बला है, modulus ये बला है कि जब भी आप रियल लाइफ में डिवाइड को परफॉर्म करते हो तो कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं आता, रियल लाइफ में कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं आता। अब मिसाल के तौर पे 35 इमेजिन कर लो कि 35 वाटर बॉटल्स हैं, ठीक है, या वाटर बॉटल भी नहीं है, पेन है, 35 पेन है, लिखने वाला जो पेन या पेंसिल है, 35 पेंसिल्स हैं या 35 पेन है, उसको दो लोगों में डिवाइड करना है, एक एक को कितना कितना दूंगा मैं, 17 दूंगा। अब 70 पॉइंट जो आता है वो तो नहीं मैं कर सकता, ये चलो 35 भी बड़ा मुश्किल फिगर है, इसको हम कर देते हैं 3 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 3 पेंसिल है, दो लोगों को देनी है, तो क्या करेंगे, वैसे तो 1.5 आंसर आता है इसका, लेकिन रियल लाइफ में 1.5 का कोई तसव्वुर नहीं है, रियल लाइफ में पॉइंट में हो ही नहीं सकता डिवाइड, रियल लाइफ में हमेशा क्या होगा डिस्क्रीट वैल्यू होगी, कि जी एक पेंसिल एक बंदे को दो, दूसरी पेंसिल दूसरे बंदे को दो, और एक जो है वो जो बच गया उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो डिवाइड जब आप करते हैं तो हमेशा आपके पास जो रियल लाइफ का जो डिवाइड होता है उसमें हमेशा एक आंसर होता है उस डिवाइड का और एक रिमाइंडर होता है, सही है। तो ये मॉड्यूलस आपको वो रिमाइंडर देता है। तो अगर 3 / 2 करता हूँ मैं तो उसमें रिमाइंडर क्या बचता है, 1, तो इसका आंसर 1 होगा, 3 modulus 2 का आंसर 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 35 modulus 2 करते हैं तो 35 / 2 का रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका आंसर अभी भी बन रहेगा, सही है। अच्छा अगर मैं इसको कर देता हूँ 35 / 3, तो 35 / 3 में 11 point something आंसर आता है ना, 11 point something आंसर आता है। तो अगर हम रियल लाइफ में करते हैं तो उसका आंसर 11 आएगा, एग्जैक्ट 11 आएगा, और बचेगा कितना पीछे, 2 बचेगा। तो अब इसका आंसर 2 हो गया क्योंकि मैंने 35 modulus 3 किया है, तो इसका आंसर 2 हो गया। चल के इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है आंसर 2 हो गया इसका। अगर मैं इसको कर देता हूँ कि भाई 3 और मॉड्यूलस 2, तो इसका आंसर 1 आ गया। अच्छा अगर मैं कर देता हूँ कि 4 modulus 2, तो
तो इसका क्या रिमाइंडर बचेगा? ज़ीरो बचेगा, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ गया, ठीक है, इसका आंसर ज़ीरो आ गया। तो ये एक तो हमारे पास डिवाइड का साइन मौजूद है जो डिवाइड करके हमें दे रहा होता है, और साथ में हमारे पास ये मॉड्यूलस का साइन मौजूद है, क्योंकि रियल लाइफ में हमेशा जो होता है डिवाइड वो उसमें पॉइंट वाला कभी भी नहीं आंसर आता। अच्छा तो मॉड्यूलस समझ आ गया, मॉड्यूलस में कोई प्रॉब्लम? अच्छा मॉड्यूलस आम तौर पे जो सबसे पहला यूज़ केस है कि किसी नंबर के बारे में अगर ये पता लगाना हो कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तो वो बड़े आराम से मॉड्यूलस से पता लग जाता है। किसी भी नंबर को मैं 2 से मॉड्यूलस मारूंगा, अगर कुछ बच रहा है तो वो ऑड है, कुछ नहीं बच रहा तो इवन है, ठीक है। तो इवन ऑड इससे बड़े आराम से पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से जब रियल लाइफ की कोई डिवीजन होती है, जैसे कोई मिसाल के तौर पे जैसे कोई प्राइस होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो 2-3 बंदों में डिवाइड करनी है अगर, और मुझे ये ऐप के लेवल पे करना है, ठीक है। जैसे शेयर कोई राइड होती है, समटाइम शेयर राइड होती है, तो उसमें अगर कुछ डिस्काउंट मिलता है तो तीनों लोगों को अगर मुझे बराबर बराबर देना है, ठीक है, तो मैं इस तरह की चीज़ वहाँ पे शायद इस्तेमाल कर पाऊँगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, ये एक बड़ा अहम ऑपरेटर है, डिवाइड के साथ साथ हमेशा इसको मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसको इस्तेमाल करने की। अच्छा अब आ गया भाई लास्ट ऑपरेटर हमारे पास, जो के है प्लस प्लस और माइनस माइनस, सही है जी, ये वाले हमारे दो ऑपरेटर्स आ गए, ठीक है। तो ये सारे वो वाले ऑपरेटर हैं जो मैथ के साथ इस्तेमाल होते हैं, अभी ऑपरेटर और भी हैं हमारे कंपैरिजन वगैरह, ठीक है। तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस के जो ऑपरेटर हैं ना, इसको ज़रा हम अब एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये क्या बल है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। मैंने कहा कि जी नम वन इक्वल्स टू फाइव, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यार नम वन प्लस प्लस, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग नम वन। तो मैंने क्या किया जी, नम वन को बनाया, उसमें एक वैल्यू रखी मैंने 5, और उस वैल्यू को रखने के बाद अगली लाइन में मैंने जो काम किया वो क्या किया, नम वन पे प्लस प्लस अप्लाई कर दिया। अच्छा प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है वो एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं यूनैरी ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा इससे पहले जो हमने अभी ऑपरेटर सारे पढ़े हैं, ये सारे के सारे क्या थे, बाइनरी ऑपरेटर थे, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर किस चीज़ को कहते हैं, जिस ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स चाहिए हों। जैसे ये प्लस का ऑपरेटर है ना, प्लस ऑपरेटर इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, सही है। इसको एक लेफ्ट पे चाहिए और एक इसको राइट पे चाहिए, और बीच में प्लस होगा तो जब ही इसको समझ आता है क्या चलना है। रियल लाइफ में भी अब दोनों में एक ही बात है ना, मगर सिर्फ ये अगर मैं बोलूँ कि 5 और प्लस और 23 ना बोलूँ तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, या सिर्फ मैं बोलूँ प्लस 23 तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता। तो 5 प्लस 23 होगा या 5 माइनस 23 होगा तो जब ही बात होगी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ऑपरेटर है, ये हमने वो पहला ऑपरेटर पढ़ लिया जिसको एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, यानी ये प्लस प्लस जो लगा हुआ है ना, ये असल में इस प्लस प्लस के साथ ये एक ही ऑपरेटर है, इसको ये नहीं चाहिए कि भाई 5 1 प्लस प्लस और आगे, इसको ये नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको मिला के भी लिखते हैं इस तरह, ठीक है, और ये लाइन टर्मिनेटर है, ना भी लगाऊं तो एक ही बात है, ठीक है। ये लाइन टर्मिनेटर ऑप्शनल होता है जावा स्क्रिप्ट में, इसको मैं नहीं लगा रहा अभी फिलहाल, लगा दूं नहीं लगाऊं वैसे एक ही इसका बिहेवियर है। तो जैसे ही मैं ये वाला हिट करता हूं ना, तो एक्चुअली ये क्या कर देता है, 5 को बना देता है 6, ठीक हो गया, 5 को इसने बना दिया 6। तो यहाँ पे जब ये प्रिंट होगा तो क्या हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा इसी तरह अगर मैं ये 2 दफ़ा लिखूँ तो ये 7 कर देगा, तो मैं जितनी दफ़ा प्लस प्लस मारता जाऊँगा ये क्या होगा, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, ठीक है। चल के देखते हैं 7 प्रिंट होता है कि नहीं। हाँ जब भी किसी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू बढ़ानी हो, उसकी 1 प्लस करना हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है, मौजूद है। अच्छा मैं अगर इसके बगैर ये काम करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, इसका जवाब है हाँ, कैसे कर सकता हूँ मैं बोलूँगा भाई num equals to num plus 1, सेम काम हो गया, ठीक है, ये सेम काम हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ऐसे नहीं करूँ, अगर मैं num plus plus कर लूँ तो ये ज़रा सा क्लीन लगता है थोड़ा, और ये एक ऑपरेटर इन्होंने बना दिया है स्पेसिफिकली इसी यूज़ केस के लिए ऑपरेटर बना दिया, ठीक है। अगर ये वाली लाइन अगर एग्जीक्यूट होती है किस तरह होगी, ये num1 equals to करके ये आगे एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ये सॉल्व करेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 प्लस 1 और टोटल 6 आ जाएगा, और ये 6 उठ के इस num1 में चला जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। मैं अगर ये वाली भी लाइन लिखता हूँ और मैं ये वाली भी लाइन लिखता हूँ, तो ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। जी कंसोल के अंदर क्या मतलब, अभी उस पर आते हैं, अभी उस पर आते हैं, अभी वो पोस्ट इंक्रीमेंट वाला अभी समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, नम, अच्छा नम के आगे वन नहीं लिखा मैंने, सही है। तो मैं इस तरह से करता हूँ तो भी ये सिक्स होता है, और अगर मैं इस तरह से नहीं करता, मैं अगर इस तरह से करता हूँ तो भी ये सिक्स होगा, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, लेकिन फ़र्क एक है छोटा सा, वो अभी हम उस पर फ़र्क पर ही जा रहे हैं अब आगे। अच्छा, इसी तरीके से ये तो हो गया प्लस प्लस वाला, इसी तरीके से एक माइनस माइनस भी है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या करेगा, जो इंक्रीज़ करता था ये उसको डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, सेम काम इस तरह भी हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करके करना चाहूँ बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं ऐसे करके करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। ठीक है, माइनस क्या करेगा, इसको फाइव से कर देगा फोर, आज वो देख लेते हैं। ठीक है, फोर हो गया, मैं दो दफ़ा माइनस करूँगा तो ये दो दफ़ा डिक्रीमेंट मार देगा, यानी कि फोर की जगह भी है थ्री हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, थ्री हो गया, सही है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, प्लस प्लस और माइनस माइनस का ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये बात समझ आ गई इतनी। इसी तरीके से ये प्लस प्लस ना इधर भी लगाया जा सकता है, ठीक है, और सेम काम करेगा ये, सही है, ये भी प्लस करेगा वन, सही है, पहले फाइव था सिक्स हो गया। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस माइनस लगाया जा सकता है, ठीक है, तो ये भी वही सेम काम करेगा, फोर कर दिया इसने वापस। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लस हम लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, प्लस प्लस राइट पे भी लगा सकते हैं, माइनस माइनस हम लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, प्लस राइट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों से क्या होगा, माइनस और प्लस ही होगा, और एक एक करके ही होगा। अच्छा, ये बात हमें पता लग गई, इसको अब हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक इसी का, इसी से रिलेटेड, मैंने कहा लेट नम वन इक्वल्स टू सिक्स या फाइव। अच्छा, क्योंकि ये मैथ ऑपरेटर है तो अब ये मैथ एक्सप्रेशन में भी आ सकता है, मैथ ऑपरेटर है तो मैथ एक्सप्रेशन में भी अच्छा ये लगेगा वेरिएबल पे, ये भी याद रखिएगा, ये डायरेक्ट नंबर लिटरल के ऊपर इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लगेगा वेरिएबल पे ही, क्योंकि वेरिएबल में ही जो पहले होती है वैल्यू उसमें प्लस करना था, लिटरल में तो मैं वैसे ही प्लस कर दूंगा, लिटरल में प्लस करके ही लिख दूंगा मैं अगर लिखना होगा तो लिटरल में हमेशा ये नहीं लगेगा, ये वेरिएबल के साथ लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू फाइव प्लस टू प्लस और नम वन प्लस प्लस, अब ये एक्सप्रेशन का पार्ट बन गया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है पहले से? अच्छा जी, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा प्लीज़ मुझे बताएं कि इसका रिज़ल्ट को जब मैं लास्ट में प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं कि ये 12 हो जाएगा, एक दोस्त कह रहे हैं कि 13 हो जाएगा, हाँ जी, और लोग क्या कह रहे हैं, 13 होगा, और कितने लोग कह रहे हैं कि 12 होगा, मैं भी कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या होता है। अच्छा, 5 + 2 बॉड मास का रूल है, तो इसके अंदर जो भी ऑपरेटर, अच्छा ए प्लस का ही ऑपरेटर है, ठीक है, तो 5 + 2 हो गया 7। ठीक है, इसको ज़रा ऐसे सॉल्व करते हैं ना एक प्रोफेशनल मैनर में। ठीक है, 5 + 2 पे आ गया 7, और प्लस क्या रह गया उसके आगे, नम वन प्लस प्लस रह गया। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि ये इतना पार्ट जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू को इवेल्यूएट करेगा, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू, बल्कि सबसे पहला काम तो वही होगा ना, ये फाइव और प्लस और टू को तो हम चलो यहाँ रहने देते हैं, सही है, इसकी यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये 6 रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे ये 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, 5 रिटर्न क्यों करेगा,
क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो जिसके प्लस ये बाद में लगा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा ना यहाँ पे, जैसे हमने देखा है किसी भी जगह पे जावास्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल लिखा हुआ तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है वहाँ पे, है ना, खुद, यानी कि हट जाता है खुद, उसकी जगह एक वैल्यू आ जाती है। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ये ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करेगा और रिटर्न करने के बाद उसको इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जब ये नम वन पहले लिखा हुआ है और ये प्लस प्लस बाद में लिखा हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अच्छा, इसने नम वन को सिक्स कर दिया है, अगर मैं नम वन या नीचे प्रिंट कराऊंगा ना कहीं पे तो सिक्स प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न वो फाइव ही करेगा, एक्सप्रेशन का जब पार्ट होगा तो यहाँ पे फाइव ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हो गया जी सबसे पहले, और फाइव टू और फाइव ये कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया, सही है। ये सारा प्लस मैंने वन गो में कर दिया, तो जिन लोगों ने ट्वेल्व कहा था उनका आंसर सही है, जिन्होंने थर्टीन कहा था उनका आंसर, उनको मैंने बता दिया एक्चुअली कि किस तरह हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो क्या रिजल्ट आता, अभी भी 12 आता, क्यों, कि यहाँ पे जो ये रिटर्न करेगा ना, ये 5 ही रिटर्न करेगा और पोस्ट डिक्रीमेंट, सो दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट करेगा बाद में करेगा, पहले रिटर्न करेगा, फिर भी रिजल्ट सेम आएगा इसका, नहीं मैं एक्चुअली इसमें माइनस करवाना चाह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के, मतलब मैंने पॉइंट मेरा ये है कि क्योंकि ये ऑपरेटर है तो ये एक्सप्रेशन का पार्ट भी हो सकता है, तो ये एक्सप्रेशन का जब ये पार्ट बनेगा तो उसका क्या बिहेवियर होगा हम वो देख रहे हैं, ठीक है। अभी आपका मैं सवाल समझ गया हूँ, आपका क्या सवाल है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। देखें, अभी जो है ना हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक एक छोटे 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 टूल को सीख रहे हैं, उसका बिहेवियर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या होगा, समझ रहे हो बात। तो जैसे एक 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 कारपेंटर होता है ना, अब कारपेंटर के पास जब बंदा काम सीखने जाता है तो सबसे पहले वो क्या बताएगा, उसको बताएगा यार ये हथौड़ी है। अच्छा, कुछ चीज़ों में वैसे ही पता है ना, हथौड़ी सबको पता होती है, ठीक है, हथौड़ी है ये, या कुछ होगा एक ख़ास किस्म की कोई आरी होगी, वो होगा कुछ रेती होगी, उसको बताएगा अच्छा ये ऐसे होता है, रेती से क्या होता है जी, रगड़ो तो उस पर जो फाइन हो जाता है, समझ रहे हो ना बात। तो हमने अभी जो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं वो हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छा जी ये प्लस प्लस ऐसे होता है ना तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है, प्लस माइनस अगर एक साथ एक्सप्रेशन में आएगा उसका बिहेवियर क्या होगा। तो अभी हम जस्ट बिहेवियर देख रहे हैं इसका, ठीक है। अब इस इन टूल्स को जिनका बिहेवियर अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बनाना क्या है और वो कैसे बनाना है, ये अगला पार्ट है, बनाना क्या है और कैसे बनाना है वो अगला पार्ट है। अब हम छोटे छोटे रियल लाइफ के, अब मिसाल के तौर पर उसको बता दिया कि यार ये सारे टूल्स हैं, अब उसके पास आया एक टास्क कि यार एक छोटा सा स्टूल बनाना है जो 3 फिट ऊँचा हो और 1 फिट उसकी चौड़ाई हो, ऐसे मतलब एक आगे रिक्वायरमेंट। अब वो शुरू करेगा बनाना, अब वो बोलेगा अच्छा यार स्टूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम चाहिए, अच्छा जी सबसे पहले मुझे लकड़ी के पीस उतने बड़े काटने पड़ेंगे जितना बड़ा चाहिए, अब वो आरी उठाएगा और वो शुरू हो जाएगा, सही। अच्छा ये काम हो गया, अब यार अगला काम कैसे होगा, अच्छा यार इसके ऊपर अब जो है ना रद्दा शायद चलाना पड़े, जो भी लकड़ी को फाइन करने के लिए कोई ना कोई टूल होता होगा वो चलाएगा उसको, वो फाइन करेगा लकड़ी को, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद उसको ठोक के या चपका के जोड़ना होगा साथ, उसके लिए भी कोई ना कोई टूल है। तो वो एक एक करके उसके सामने चैलेंजेस आते जाएंगे और उसके लिए वो टूल तलाश करता जाएगा और उससे के जरिए उसको काम करता जाएगा। अच्छा ये सारे काम हो गए, अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में ये करना है कि उस पर कलर करना है, तो कलर करने के लिए भी कोई टूल होगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, उससे पहले शायद उसमें वार्निश में उसको डुबोते हों, वो कलर से भी पहले होगा कोई ना कोई प्रोसेस मुझे तो। वेल, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह ये छोटे छोटे जो टूल्स हम सीख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ये सारे टूल्स हम क्या करेंगे, सीख लेंगे, और वंस ये सारे टूल हमें समझ में आ जाएंगे जब, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम छोटे छोटे टास्क बनाएंगे, उसको बनाने के दौरान हमें खुद ही पता लग जाएगा कि अच्छा यार इस जगह पे ये टूल यूज़ हो सकता है ना। अब मिसाल के तौर पे जैसे जैसे एक वुड का पीस होता है कोई, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर ऑफ टेबल टॉप, ये देख रहे हो, ये टेबल टॉप का ये राउंडेड कॉर्नर है। अब ये कौन सी आरी से कटेगा, यू आर ब्लैंक, है ना, क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है ये, और
तो जिस बंदे का ये इंट्रोडक्शन हुआ होगा ना तमाम टूल्स से, उसको पता लग जाएगा अच्छा यार ये फला टूल से होगा, सही है, उसको पता लग जाएगा। क्योंकि लेकिन अभी आपका इंट्रोडक्शन, मैंने जानबूझ के ऐसी चीज़ निकाली जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होती, तो ये मैंने जानबूझ के ऐसा आइटम निकाला है। तो ये वाली कटिंग किस आरी से होगी, किस चीज़ से होगी, ये आपको नहीं पता। अच्छा, तो अगर आपका इंट्रोडक्शन हुआ हुआ होता तमाम टूल्स से, तो जैसे ही ये चीज़ सामने आती ना, अच्छा ऐसा बनाना है, तो आप फ़ौरन क्लिक करते हैं, अच्छा ये इस तरह कटेगा, समझ रहे हो बात। अच्छा, इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल देता हूँ बड़ी अच्छी, ये देख रहे हो उसने कैसी कटिंग की है, ना सिर्फ सीधी की है, नीचे एक एंगल भी है इसके। अब ये कटिंग तो देख के मतलब आम बंदा सोचता ही रह जाएगा कि ये होगा कैसे। ये देख रहे हो ये किस तरह की कटिंग है, ब्लेड के जैसी शेप की कटिंग है, आम बंदा सोचता ही रह जाएगा कि ये होगा कैसे काम। हाँ, टेपर भी दिया साथ में, ये देखो किस साइड से कैसे गोल किया हुआ है इसको। अब अगर मैं रेक माल लेके उसको रगड़ने लग जाऊँ, गोल करने लग जाऊँ, तो इतना इवन कभी भी नहीं होगा जितना ये हो, कोने तक बिल्कुल इवन है ये, वो कहीं से थोड़ा अंदर कहीं से थोड़ा बाहर हो जाएगा ऐसा, लेकिन नहीं हुआ इसके अंदर। तो कोई ना कोई टूल होगा इसके लिए, ठीक है, और वो टूल होता है ये, सही है, वो ये टूल होता है। इसके अंदर जो है ना वो, अब इस टूल का नाम पता नहीं मुझे क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ना ये दिखा रहे होंगे इस तरह का टूल, इसमें क्या है इन्होंने लिखा है, कर्व्ड एजिंग, एजिंग टूल लिखूंगा ना मैं, आ जाएगा। ठीक है, एजिंग टूल और वुड वर्क, तो वो एजिंग टूल आ जाएगा। अब देखो मुझे उसका नाम नहीं पता ना, तो इसलिए मैं उसको ढूंढ भी नहीं पा रहा। ये आ गया, ये है एजिंग टूल, ये एक गोल घूमता है और उसको यूं सीधा उसको चलाते हैं ना, तो वो पूरा कॉर्नर गोल हो जाता है। ये इसके जितना जितना रेडियस है उतने रेडियस का होता है ये देख रहे हो, ये चल रहा है। इसका क्या नाम लिखा हुआ है इन्होंने, शैंक राउटर लिखा हुआ है इन्होंने, शैंक राउटर, एजिंग टूल नहीं है ये, इसका नाम है शैंक राउटर। ठीक है, देखो ये अब अलग अलग शेप के आ गए सारे, ये देखो सारे अलग अलग शेप्स आ गए, ये टेपर, गोल, चकोर, राउंड, देख रहे हो इस तरह की कटिंग होगी इस वाले से। इस तरह का जो अगर टेबल का कॉर्नर बनाना है ना, अच्छा इसी तरीके से और भी काम सिखाता हूँ ना मैं तुम्हें, और भी सिखाता हूँ एक काम, इलेक्ट्रीशियन का भी काम थोड़ा सिखा। अब जैसे देखो बोर्ड लगा हुआ है, अब ये बोर्ड लगा हुआ है, अब इसकी मिसाल के तौर पे मुझे जो है ना एक पॉइंट लगाना है इसके ऊपर कहीं एक और, है ना, इससे जाहिर है तार कंसील्ड में निकल के कहीं गई भी होगी, यहाँ तक ऊपर कहीं गई भी होगी। अब मुझे मिसाल के तौर पे इस एसी के साइड में एक बल्ब, एक बोर्ड लगाना है या कोई ऐसी चीज़ लगानी है। अब ये ऐसे क्रॉस में गया है ऊपर या वैसे ऊपर गया है, ये कैसे पता लगेगा, खोल के तो खोल के नहीं पता लगेगा। ये तोड़ के हर चीज निकाल। अब यहाँ तो तुम लोगों को दिख गया, पीछे वालों के लिए जरा मैं यहाँ पे लगा दूँ। तो हम एक्चुअल बन क्या रहे हैं? आप एक्चुअल में बन रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, जो एक बड़ा मशहूर कोई बंदा है, मैं भूल गया अभी वो कौन है, लेकिन उसका बड़ा मशहूर कॉल है कि आई एम नॉट अ CEO, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आप बन रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये एक वॉल है, इसमें यहाँ पे नीचे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है इस जगह पे, मिसाल के तौर पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक कहीं पे कनेक्शन चाहिए। मुझे कैसे पता लगेगा, कंसील्ड वायरिंग तो हो सकता है यहाँ से सीधा ले गया हो पूरा और यूँ खींचा हो फिर सीधा ले जाने के बाद, ठीक है, या हो सकता है वो उसको नीचे ले गया हो फर्श के साथ चलाया हुआ उसको, या हो सकता है यूँ बिल्कुल ही क्रॉस में लेके गया हो। अब मुझे ये बात कैसे पता लगेगी, खोल के तो मुझे 2-3 इंच दिखेगा, 10 इंच दिख जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे झाँकूंगा ना अगर, तो मुझे 10 इंच तक तो दिखेगा, लेकिन 10 इंच अगर वो सीधा ले गया है और उसके बाद उसने घुमा दिया यूँ क्रॉस में, ये तो पता नहीं लग सकता। हाँ, मैप हमारे यहाँ बनाने का कोई रिवाज नहीं है, नहीं हमारे यहाँ की वो कहीं पे भी नहीं होता मैप,
मैप असल में जो घरों की जो वायरिंग होती है ना उसमें बहुत कम ही ऐसा होता है शायद और नादरी के मतलब मैप उन्होंने दिया वो, जैसे बंदा कोई अपार्टमेंट ख़रीदता है ना बना बनाया, तो अगर कोई बहुत अच्छा मतलब बिल्डर है तो उसने जो है ना मैप बनाया होता है, लेकिन देता वो भी नहीं है मैप बनाने के बाद ना, देता वो भी नहीं है, वो कहीं ऑफिस में जमा होता है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फिर निकाल के देता है। वरना आइडियली होना तो ये चाहिए कि हर घर में एक जो स्विच बोर्ड जहाँ लगा होता है जिस रूम में, तो उस रूम के अंदर ये सारा मैप ब्लू प्रिंट पर हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अब एक घर है जैसे ये अब जगह है, अब इसका मैप आप मांगे ना इनसे यहाँ पे जो लगा है इसको पता ही नहीं होगा, वो कहता है वो तो एक ही इलेक्ट्रिशियन है उसी ने किया उसी को बुलाते हैं। हाँ तो फिर इनको बुलाएगा कौन, फिर ये बुला के लंबा बिल। तो इसके लिए टूल होता है, उसके लिए टूल होता है दैट इज़ कॉल्ड टेस्टर। टेस्टर होता है ना जो लगाओ बत्ती जलती है, जो इलेक्ट्रिक टेस्टर। अच्छा आपने तो देखा होगा ऐसा वाला टेस्टर, एक इसके अंदर जदीद ये वाला भी नहीं देखा किसी ने, ये वाला तो देखा है ना, हर हफ्ते इस्तेमाल करते, क्यों हफ्ते में ऐसा क्या होता है। एक टेस्टर आता है ये वाला, ये वायरलेस टेस्टर कहलाता है। अच्छा इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी होती है इसकी, ये आपको एक इंच दूर से ही बता देता है कि इस तार में करंट है, आपको टच करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसमें पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज़ अ टूल दैट इज़ अवेलेबल। अब पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट है या क्या है, बहरहाल ये चीज़ एक अवेलेबल है, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाला भी आता है कि वो 3-4-5 इंच दूर से बता देता है। ये देख रहे हो ये सिग्नल, ये इसका इसकी इंटेंसिटी आप हाई पे कर दोगे ना, जब ये टक 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 दबाओ ये हाई हो जाती है इंटेंसिटी। तो ये क्या करता है, ये बीप भी करता है और बत्ती भी जलाता है, दोनों होता है। तो आप क्या करते हो, उसको बोर्ड के आसपास यूँ घुमाते हो ना इधर, तो तार जहाँ से गई भी होती है वहाँ पे बीप करता है, तो उस बीप को फॉलो करते करते आप पूरी लकीर बनाते हो दीवार पे कि यहाँ यहाँ से ये गुजरा हुआ है। तो पूरी पूरी वायरिंग जब चेंज करनी पड़ती है ना, तो ये टूल उसमें बहुत काम आता है। पूरी पूरी वायरिंग जहाँ पे चेंज करनी पड़ती है, मिसाल के तौर पे वायरिंग है उसका एक तार जल गया या कुछ हो गया, या उसको मतलब तोड़ के पूरी समटाइम पाइप ही पिघल जाता है पूरा, ये हो चुका है एक दफ़ा, सफ़र कर चुके हैं इसलिए मुझे ये बातें पता हैं, तो वो पाइप पूरा पिघल जाता है तो उसको वैसे नहीं छोड़ सकते, फिर पूरा तोड़ के वहाँ पे नया पाइप लगाना होता है ताकि बिल्कुल फ्रेश हो जाए वायरिंग। तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, तो अब वरना आप तो सोचते ही रह जाते यार ये काम होगा कैसे। तो हम अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, हम ये जो छोटे छोटे टूल्स हैं सारे उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अच्छा जी इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है। इसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि देखें यहाँ पे जो रिटर्न हुई है ना वैल्यू, वो ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न हुई है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लगाता, अब तो ये तो हमने क्या पढ़ लिया, पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ये दोनों हमने पढ़ लिया। अब एक होता है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। इसमें क्या होगा, ये पहले इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये पहले इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद रिटर्न करेगा, तो लिहाजा अब यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, अब यहाँ पे 6 रिटर्न होगा। ठीक है, शुरू कहाँ से हो रहा है, राइट साइड से हो रहा है, लेफ्ट साइड से हो रहा है, नहीं ये मतलब ये फिक्स है इसी तरह। पहले तो मैंने समझाया नहीं, ये पूरे को कहाँ से शुरू कर रहा है, पूरे को भी तो शुरू कर रहा है जो कर रहा है, जो नम प्लस प्लस नम वन है। हाँ तो ये पहले रिटर्न करेगा या वो प्लस करेगा, पहले देखो अगर पहले लिखा हुआ है ये वाला प्री इंक्रीमेंट, नाम से जाहिर है, अगर ये वेरिएबल है ना, अब वेरिएबल के अगर मैं लगाता हूँ लेफ्ट साइड पे अगर, तो ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ये ऑपरेटर ही अलग है। जो ऐसा पहले तो मैंने समझाने के लिए कह दिया था ना कि लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं राइट पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने कह दिया था ना कि भाई लेफ्ट पे लगा लें या राइट पे लगा लें प्लस करेगा, लेकिन मसला ये है कि वो जो ये लगा हुआ है ना राइट पे, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर यही चीज़ लेफ्ट पे होती तो उसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो ये दो अलग अलग ऑपरेटर हैं, ये एक ही ऑपरेटर नहीं है, ये दो अलग अलग ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट अप्लाई करता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, प्री इंक्रीमेंट एंड देन रिटर्न, और अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट लगाता हूँ तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि बाद में इंक्रीमेंट करेगा, तो पहले क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अभी हो जाएगी, अभी सिचुएशन हो जाएगी, अभी आपको एक लंबा सा एक्सप्रेशन देता हूँ तो उसमें अब इसका 13 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब रिटर्न क्या हुआ है, 6 हुआ है, और 6 प्लस 5 प्लस 2 6 और 7 13 हो जाएगा।
ठीक है, तो अब यहाँ पर रिजल्ट 13 आएगा, ठीक है 13 आ गया। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं प्री डिक्रीमेंट लगाऊँ, क्योंकि डिक्रीमेंट में भी पोस्ट और प्री दोनों हैं, तो प्री डिक्रीमेंट का मतलब है अब यहाँ क्या रिटर्न होगा, अब यहाँ 4 रिटर्न होगा और 4 + 5 + 2 तो ये 9 और 2 11 हो गया, सही है 11 यहाँ पे अब रिटर्न हो जाएगा, ये देख लेते हैं 11 रिटर्न हो गया, ठीक है जी। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ये दोनों मैंने आपको बता दिया, और अगर तो इस तरह से मैं करूँगा तो पोस्ट करूँ प्री करूँ एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन जब ये एक्सप्रेशन का पार्ट होगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का बिहेवियर अलग होगा, क्यों, इसका ताल्लुक रिटर्न से। अच्छा इस जगह पे भी ना देखो, जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे भी वेरिएबल होगा तो वो एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ पे भी रिटर्न तो इसने किया है लेकिन उस रिटर्न वैल्यू को मैंने पकड़ा नहीं है किसी पर, वो हवा में गुम हो गया, ठीक है। रिटर्न इसने यहाँ पे भी किया होगा, बाद में इंक्रीमेंट किया होगा, पहले रिटर्न किया, लेकिन उस रिटर्न वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं रहा क्योंकि उसको मैंने पकड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद कंसोल करवा दें फिर वो इसके अगली लाइन में। हाँ जो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट लगाया ना, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, वापस से पोस्ट कर देता हूँ मैं, सही है। और रिजल्ट के बाद मैं नम वन को कराता हूँ, तो ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी लगा है वो हो तो जाएगा अल्टीमेटली, और यहाँ प्रिंट होगा वो डिक्रीमेंट होने के बाद, लेकिन इस जगह पे वो ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न कर देगा, पोस्ट है ना क्योंकि, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 12 प्रिंट होगा, यहाँ पे इस वक्त क्या रिटर्न हुआ है 5, यहाँ पे 5 रिटर्न होने की वजह से पूरा एक्सप्रेशन 12 पे इवैल्यूएट होगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ऑन अदर एंड क्या होगा, 4 प्रिंट होगा, है ना, क्योंकि जैसे ही ये इसने क्या किया, यहाँ पर रिटर्न किया, उसके फौरन बाद इसने डिक्रीमेंट मार दिया उसमें। अब अगली लाइन में जब मैं चेक करूँगा तो वो डिक्रीमेंट हो चुका होगा, आगे देखते हैं, ठीक है। नीचे 4 हो चुका है लेकिन ऊपर 12 आया है, नीचे 4 हो चुका है, सही है। तो ये बिहेवियर है इसका, एक हमने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट का और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का बिहेवियर नोटिस किया अभी कि किस तरह का इसका बिहेवियर होता है। अब ये कहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगेगा, कहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लगेगा, कौन सा ऐसा यूज़ केस आपके सामने आएगा जहाँ पे आपको प्री इंक्रीमेंट लगाना होगा या पोस्ट लगाना होगा, ये जब आएगा तो आप खुद ही सेंस कर लेंगे। अभी ऐसे पता लग गया ना हमें कि टेस्टर वो हमने खास तरह का एक देखा, वायरलेस टेस्टर है वो, ऊपर से ही बता देता है दूर से ही। एक हमने वो देखा टेबल के कोने बनाने वाला, है ना, तो अब हमें ये आइडिया, पहले तो नहीं पता था। तो इसी तरीके से मैंने आपको ये दो टूल सिखा दिए, अभी इस तरह सारे टूल थोड़े थोड़े करके एक्सप्लोर करेंगे हम। अच्छा फिर अभी तो हमारी ये पहली क्लास है काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, वो पहला तो लास्ट क्लास में तो हमने हेलो वर्ल्ड किया जस्ट, तो काइंड ऑफ आज समझ लें ये पहली क्लास है, तो ज़रा एक दो क्लासेस और कर लें, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इस तरह के टास्क बनाना शुरू कर देंगे फौरन फौरन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स कि जिसको आप पूरा एक्सप्लोर करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, नॉट दोज थिंग्स। जैसे कारपेंटर में तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे पहले सारे टूल्स, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे शायद, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में हमने जितने टूल सीखे हैं पहले फ़ौरन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर मजीद टूल एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर मजीद टूल एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस मैनर में हम सीख रहे होंगे इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट को, ठीक है जी। हाँ वो तो अभी आगे इफ वगैरह आगे अभी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में जब आप यहाँ पर आएंगे इस क्लास में तो हम क्या सीखेंगे, हम इनपुट आउटपुट सीखेंगे कि जी एक मिसाल के तौर पे ये वेब पेज है, मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट वेब पेज के ऊपर लग के चलता है, तो यहाँ पे एक फॉर्म बना के एक कैलकुलेटर के फॉर्म में एक खाना हो नम वन, एक खाना हो नम टू, और नीचे बटन आ रहा हो प्लस या सम, तो मैं पहले खाने में दो नंबर लिखूँ, पहले खाने में एक नंबर लिखूँ, दूसरे खाने में एक नंबर लिखूँ, सम का बटन दबाओ तो नीचे सम होके प्रिंट हो जाए स्क्रीन के ऊपर, है ना, ताकि हमने आज जो ये प्लस का ऑपरेटर सीखा है ना, कौन सा प्लस का, जो सबसे पहला हमने पढ़ा था आज, ये जो प्लस का ऑपरेटर सीखा है तो इसको हम एटलीस्ट प्रैक्टिस करेंगे हम कल, ठीक है। और फिर आपको एक इसी से रिलेटेड छोटा सा एक असाइनमेंट भी दे दूंगा मैं कि जी मैंने प्लस करके दिखाया, आप माइनस भी कर लें, इसमें मल्टीप्लाई भी कर लें, दैट्स इट, सिंपल सी चीज़, ठीक है, मेक सेंस है, सब लोगों को समझ आ रहा है ना ये कैसे चल रहे हैं हम, किस तरह से इसको हम लेके चल रहे हैं आगे। जी आउटपुट में नहीं सी के क्या सी ए ही क्या समझा, अच्छा 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 नहीं 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 वो मैं समझा देता हूँ क्या है। देखो सी लैंग्वेज के अंदर जो सी इन और सी आउट होता है,
इसमें कंसोल डॉट लॉग और सी इन सी आउट एक ही चीज़ है। सी आउट में स्क्रीन पे प्रिंट करता हूँ ना मैं कोई चीज़, तो कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू सी आउट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा लेकिन देखें सी लैंग्वेज में भी तो ना हमें कंसोल पे पढ़ाते हैं ना, वो हमें तो कंसोल में थोड़ी पढ़ना है, कंसोल में पढ़ेंगे तो फिर बनाएंगे क्या, हमें तो यूआई भी बनानी है साथ साथ, है ना, हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो प्रेजेंटेबल हो। अब सी लैंग्वेज पे बना हुआ कोई कोड है वो प्रेजेंटेबल तो नहीं होता। असल में अगर सी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करता तो सी लैंग्वेज में एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है, उस पर खाने फॉर्म बने हुए होते हो, वहाँ लिखते आप नंबर और लिख के एक बटन प्रेस करते, वो होता है, ठीक है। सी लैंग्वेज पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट कंसोल पे तो मैंने करवा दिया आपको ऑलरेडी, कंसोल का वाला काम तो ऑलरेडी करवा दिया मैंने आपको, कंसोल पे ये आउटपुट दिखा दिया। लेकिन हमें असल में क्या करना है, हमें यूआई पे ये दिखाना है कि जी एक वेबसाइट खुले उस पे, जैसे अभी हमने ये खोला था ना कन्वर्टर, ये टेम्परेचर कन्वर्टर, यहाँ पर मैं गया, ये इसने पूरा देखो बनाया हुआ है। अबे वो खाने किधर, हाँ जी देखो ये खाने, यहाँ पे आके लिखा है इसने कि यार पता नहीं स्टार्ट पता नहीं क्या लिखो, अब 23 लिख दिया मैंने, ये कुछ नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाया हुआ है। कैलकुलेटर सोप इस पे चलते हैं, हाँ ये देख रहे हो ना सेंटीग्रेड, मैंने कहा यार 24 सेंटीग्रेड और कैलकुलेट का बटन दबाया तो यहाँ पे ये पूरा इसने कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। वन वर्ड आंसर भी दे सकता था, ये वन वर्ड आंसर इसने एक्चुअली दिया है यहाँ पर। तो ये इस तरह करके ना, इस तरह की ऐप मुझे बनानी है जावास्क्रिप्ट में, कंसोल की हद तक नहीं रहना मैंने, कंसोल की हद तक तो रहना तो बड़ा आसान था, वो हमें ये भी करना है, ठीक है। ताकि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि थ्रू आउट द कोर्स जो हम छोटे छोटे असाइनमेंट्स बना रहे हैं वो ऐसे असाइनमेंट हों जो प्रेजेंटेबल हों। अच्छा इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको इस तरह का एक इनपुट आउटपुट लेना सिखाऊंगा, फिर आप खुद इस तरह का एक कैलकुलेटर बनाएंगे और बना के उसको उसकी छोटी सी वीडियो बना के लिंक्डइन पे पोस्ट कर देंगे, समझ रहे ना। तो एक प्रेजेंटेबल चीज़ होगी, कोई बंदा उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट खुलेगी, उस पर वो अपने हाथ से वैल्यू टाइप करेगा, कैलकुलेट का बटन दबाएगा, उसको रिजल्ट दिखेगा सामने, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट रहेगा। अच्छा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, सही है। किसी को भी लगे भाई समझ नहीं आ रहा, फास्ट पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई, मैं हर क्लास में ये पूछता भी हूँ आपसे आके कि भाई पिछली क्लास से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो मैं हर क्लास में आपसे पूछता भी हूँ। तो अगर आज की क्लास में आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप अभी भी सवाल कर सकते हैं राइट नाउ, और आप कल की क्लास में भी, क्योंकि आप जाके ज़ाहिर है घर में प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सवालात आपके जहन में आएंगे, ठीक है, तो आप कल भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो फ्यूचर से ताल्लुक़ होता है, जैसे कुछ दोस्तों ने इफ़ एल्स का सवाल किया, इफ़ का, वो इफ़ इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ सवालों के जवाब में हो सकता है मैं ये जवाब दूँ कि जी ये अभी टॉपिक आगे आने वाला है तो वहाँ पर, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ये जवाब नहीं होगा कि यार आपको बता नहीं रहा है, सही है। तो या तो अगर आगे का टॉपिक होगा तो मैं आपसे कह दूंगा कि अच्छा जी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और अदरवाइज मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। चलें किसी का कोई सवाल तो नहीं है, हाँ फ़ायदा होता है बिल्कुल, हाँ फ़ायदा ये होता है कि जिसके लिए हम वेबसाइट बनाते हैं वो पैसे देते हैं। आसान सबसे पहला शुरुआत यहाँ से होती है, सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होती है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशियन की हम मिसाल ले रहे थे, अब इलेक्ट्रिशियन को क्या फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है कि जिसके घर में वो वायरिंग करता है वो उसको पैसे देता है। अब घर में वायरिंग क्यों करते हैं लोग, अब उसका एक लंबी नहीं यार ये एड अब देखो ये बात ना, अभी शायद अगर मैं बताऊँ ना तो ये आपके अकल से भी ऊपर की बात है, सही है, इसलिए मैं ये बात नहीं बता रहा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अभी सर्विसेज की हद तक हम रहेंगे। अभी जो हमने सोचना है ना फिलहाल के लिए, वो हमने ये सोचना है कि हम किसी जगह पे जाके नौकरी पकड़ेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे, किसी बंदे के लिए हम वेबसाइट बनाएंगे वो हमें पैसे देगा, वो वेबसाइट का करता क्या है। अभी ये थोड़ा सा आगे हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि वेबसाइट में होता क्या है असल में, समझ लो। तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त इंटरनेट चल रहा है उसके दो रेवेन्यू मॉडल हैं, नंबर एक एडवर्टाइजमेंट जो तुम कह रहे हो ऐड लगा के पैसे कमाते हैं, घटिया रेवेन्यू मॉडल है, सही है। तो या तो खुद ऐड एजेंसी बन जाए, जैसे गूगल खुद अपने ऐड पकड़ता है, वो सही है, और दूसरा सब्सक्रिप्शन बेस है, ठीक है। तो अब आम तौर पे जैसे हमारे यहाँ ना, मैं समझ रहा हूँ ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये असल में हमारे यहाँ जो बहुत सारे यूट्यूब पे आए हुए हैं ना बच्चे, बोलते हैं यार वेबसाइट बस आप फटाफट एडसेंस लगाएं इसके ऊपर और माला माल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो, एडसेंस लगा के कोई अमीर नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो एडसेंस के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है,
ठीक है, लेकिन अभी वो डिस्कस करने की का टाइम नहीं है, ठीक है, अभी ज़रा प्री मेच्योर बात हो जाएगी अगर मैं वो बात अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, एडसेंस जो है उसका एक छोटा सा एक जर्रा है समझ लें आप, और एडसेंस में कोई पैसे नहीं रखे हुए, ये बात अच्छी तरह समझ लें। एडसेंस को बिल्कुल अपने जहन से निकाल के दूर फेंक देंगे। तो सबसे पहले हमें सर्विसेज देनी है, सर्विसेज देने के लिए मैंने शुरू दिन पहली क्लास में बता दिया था कि यार अमेरिका में $20 मिनिमम वेज है, अगर आप किसी गोरे को पकड़ लेते हैं उसको आप कोई वेबसाइट बना के देते हैं तो $20 की जगह 10 तो दे ही देगा वो। तो फिलहाल ये $10 आपका टारगेट है कि ये $10 घंटे के आपने लेने हैं, तो $10 घंटे के हिसाब से आप 8 घंटे काम करते हैं तो कितने बनते हैं ये $80 बनते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी कितने हो गए $80, हाँ तो 24,000 पर डे कोई कम तो नहीं है। तो फिलहाल अभी इसको टारगेट को रखते हैं, इसके आगे फिर हम बाद में देखेंगे।